नमस्कार दोस्तों, मैं वी चतुर्वेदी पाथफाइंडर एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी मित्रों का स्वागत करता हूं। मित्रों, आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल पर आप प्रथम बार हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा लें, जिससे शिक्षा जगत संबंधी जो भी महत्वपूर्ण अपडेट हो हमारे चैनल के माध्यम से यथाशीघ्र प्राप्त हो सके। जैसा कि आज के समाचार पत्रों में सबसे महत्वपूर्ण जो सूचनाएँ हैं कुछ इस प्रकार से हैं। पहली सूचना निकल के आ रही है, कल जारी होगा APS 2013 का पुनर्विज्ञापन। लोक सेवा आयोग ने 6 माह में भर्ती प्रक्रिया पूरी करने का लिया निर्णय। तो आप सभी से बता दें, 2013 की जो वैकेंसी APS की निरस्त की गई थी, उनमें पुनः आवेदन की प्रक्रिया शुरू करी जा रही है कल से, और सिर्फ वही अभ्यर्थी पात्र होंगे जिन्होंने कि पहले से आवेदन कर रखा था। वे अपने रजिस्ट्रेशन नंबर डाल करके पुनः आवेदन कर पाएंगे। और जैसा कि आयोग का कहना है, यह जो है लगभग 6 महीने के अंदर भर्ती प्रक्रिया को पूरा करेगी। अगली सूचना आ रही है माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की तरफ से, अस्थायी रूप से नियुक्ति कतिपय तथा शिक्षकों जो वेतन नहीं प्राप्त कर रहे थे और विज्ञापन संख्या 02/2021 प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक संख्या अथवा 02/2021 प्रवक्ता संवर्ग में फ्रेश अभ्यर्थी के रूप में इसलिए आवेदन किया है क्योंकि तत्समय विज्ञापन में वेतन अर्हता की सूचना भरना अनिवार्य था। ऐसे अभ्यर्थियों को माध्यमिक सर्वोच्च न्यायालय ने योजित याचिका संख्या 827/2021 श्रीचंद ओझा व अन्य बनाम के केस में राहत देते हुए पुनः आवेदन का मौका दिया गया है। यह जो है 11 से 15 के बीच में आवेदन कर सकते हैं। तो यह एक महत्वपूर्ण अपडेट है वो सारे तथा शिक्षकों के लिए जिन्होंने कि अपनी डिटेल्स नहीं दी थी, उनको एक अवसर मिला है 11 से 15 सितंबर तक का। अगली जो महत्वपूर्ण अपडेट निकल के आ रही है उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की तरफ से, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने जो फर्जी वेबसाइट है उसे संदर्भ में यह नोटिस जारी किया है और स्पष्ट किया है कि जो फर्जी वेबसाइट है उस पर आवेदन किसी प्रकार से न लिया जाए, न किया जाए, क्योंकि उसमें जो दी गई है बातें वो सब फर्जी हैं। और यह स्पष्टीकरण अब हो गया है कि जो वेबसाइट दिखा रहा है माध्यमिक से मिलता जुलता वह एक फर्जी वेबसाइट है। वही सूचना जो TGT PGT भर्ती में तथा शिक्षकों को दोबारा मौका दिया जा रहा है वह अलग अलग समाचार पत्रों में भी छपी हुई है। अगली जो महत्वपूर्ण अपडेट निकल के आ रही है, 4 चरणों में होगी BEd काउंसलिंग। उत्तर प्रदेश सरकारी व प्राइवेट BEd विश्वविद्यालयों व कॉलेजों में प्रवेश काउंसलिंग का आयोजन लखनऊ विश्वविद्यालय द्वारा 4 चरणों में किया जाएगा। BEd प्रवेश परीक्षा की राज्य समन्वयक प्रोफेसर अमिता वाजपेयी ने बताया कि पहले चरण की काउंसलिंग में 17 से 28 सितंबर, दूसरे चरण की 25 सितंबर से 4 अक्टूबर तक और तीसरे चरण की 30 तारीख से शुरू हो रही है। तो इस तरह से जो अभ्यर्थी हैं वो 4 चरणों में काउंसलिंग प्रक्रिया अपनी पूरी कर पाएंगे। रोल नंबर वाइज काउंसलिंग होगी, डिटेल जानकारी जल्द ही आपको वेबसाइट पर उपलब्ध हो जाएगी। अगली जो महत्वपूर्ण अपडेट निकल के आ रही है इलाहाबाद विश्वविद्यालय से दिया है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में 3 बार होगी मासिक परीक्षाएं। जारी हुई परीक्षाओं की तिथियां, मासिक परीक्षाओं के आधार पर तैयार होगा फाइनल रिजल्ट। वहीं एक सूचना और भी है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए पहले दिन 2618 रजिस्ट्रेशन हुए हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं जल्द ही रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू की गई है नए सत्र के एडमिशन के लिए। COVID-19 की वजह से सत्र बहुत पिछड़ गया है, किंतु पिछड़ने के बाद अब सत्र को रेगुलर करने का यूनिवर्सिटी प्रयास कर रही है। अगली महत्वपूर्ण अपडेट निकल के आ रही है संस्कृत विद्यालयों से संदर्भित, उत्तर प्रदेश के 567 संस्कृत माध्यमिक विद्यालयों में 1119 रिक्त पदों पर संविदा शिक्षकों की नियुक्ति का आदेश अपर निदेशक माध्यमिक आराधना शुक्ला ने 24 जुलाई को जारी किया था। इसमें उत्तर माध्यमिक स्तर का पर व्याकरण व साहित्य अध्यापकों की नियुक्ति के लिए BEd की अनुमति नहीं रखी गई थी, जबकि 2009 की नियमावली में ऐसा प्रावधान नहीं था। तो यह जो है BEd की अनिवार्यता इसमें नहीं रखी गई है, जैसा कि आप सभी जानते हैं, जबकि 2009 की में ऐसा नहीं था प्रावधान में। तो यह एक महत्वपूर्ण अपडेट है कि यहाँ BEd अनिवार्य नहीं है। अगली महत्वपूर्ण अपडेट, आज से DLA परीक्षाएँ COVID-19 के चलते अटकी डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन की सेमेस्टर परीक्षाएं रविवार से शुरू हो रही हैं। इसमें कुल 171,967 प्रशिक्षु परीक्षा में भाग लेंगे। प्रथम, द्वितीय व तृतीय सेमेस्टर की बैक परीक्षाएं संपन्न होने के बाद 27 नवंबर 2019 बैच के प्रमोट किए गए। चतुर्थ सेमेस्टर के प्रशिक्षुओं की परीक्षाएं विभिन्न केंद्रों पर कराई जाए।
ये एक महत्वपूर्ण अपडेट था डीएलएड अभ्यर्थियों के लिए। इन्हीं सारी महत्वपूर्ण अपडेट के साथ सूचना सुनने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।